नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ latest technology के साथ सभी brand की गाड़ियों की servicing होती है। टीना का घर बनाने का total समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। इस महीने की 1 तारीख को सिलीगुड़ी के 43 नंबर वार्ड के भानु नगर स्थित एक घर में चोरी हो गई थी। चोर घर से आभूषण और नगद लेकर फरार हो गए थे। प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद भक्ति नगर थाने को पुलिस सादे पोशाक में चोरों को तलाश कर रही थी और आखिरकार उनको सफलता मिली। इस मामले में पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से कुछ आभूषण भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार चोरों में एक सुनार भी शामिल है जिसका अपना आभूषण की दुकान है। गिरफ्तार चोरों में से 2 को आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 52 और व्यक्तियों की मौत होने से प्रदेश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8,268 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है। बुलेटिन में यह कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण के 3,206 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,96,522 हो गई। इसी बीच राज्य में 3,215 मरीज संक्रमण मुक्त हुए। इसी के साथ ही अब तक 4,63,849 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में अभी 24,045 मरीजों का उपचार चल रहा है। राज्य में अब तक 60,47,279 नमूनों की जांच हुई है। पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी कि वे अपने तरीके ठीक करें, वरना सड़कों पर उनकी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी ने इस बयान को घटिया करार दिया और कहा कि मीडिया और राजनेताओं द्वारा उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। दक्षिण 24 परगना जिले की सीमा से सटे शहर के दक्षिण पश्चिम किनारे पर एक चा चक्र चाय पर चर्चा को संबोधित करते हुए घोष ने TMC पर जमकर निशाना साधा। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण के 36,652 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,08,211 हो गई है। वहीं 512 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 13,09,700 हो गई है। देश में अब तक 90,58,822 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 94.20% हो गई है। वहीं मृत्यु दर 1.45% है। आंकड़ों के अनुसार देश में इस समय 4,09,689 मरीजों का इलाज चल रहा है जो कि कुल मामलों का 4.35% है। 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली, यूपी, हरियाणा पर चल रहा हजारों किसानों का धरना प्रदर्शन 10वें दिन में प्रवेश कर गया है। दिल्ली से सटे यूपी और हरियाणा के तकरीबन दर्जन भर बॉर्डर सील हैं, जिससे शनिवार को भी लोगों की आवाजाही में दिक्कत पेश आ रही है। इस बीच शनिवार दोपहर 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर पिछले 2 महीनों से चल रहे किसानों के आंदोलन का रास्ता निकालने के लिए शनिवार दोपहर में केंद्र सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच 5वें दौर की बातचीत प्रस्तावित है। वहीं शुक्रवार शाम को किसान संगठनों ने नए कृषि कानूनों को पूरी तरह रद्द करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए आगामी 8 दिसंबर को भारत बंद की घोषणा की है। इसे देशव्यापी बंद बताया जा रहा है। नोएडा सेक्टर 14A स्थित चिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। यहां पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि अगर शनिवार दोपहर को होने वाले किसानों नेताओं के बैठक का नतीजा नहीं निकला तो फिर वे संसद का घेराव करेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। खुद सुनी
मलाई कोल्ड कफहरू थियो, मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछु। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन उठ्यो पुरा, साइड पेन उठ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले त धेरै सन्चो छ, खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने, त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, एचडी लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा सपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ latest technology के साथ सभी brand की गाड़ियों की servicing होती है, 20 minute में ही car wash, in-house automatic color बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही call कर appointment book कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF Road, Salugada, Siliguri। 50-70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा, मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयलो स्टोर टुडे। अप्लाई फॉर 3-year AICTE अप्रूव्ड एंड MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंथ, दिल डिमांड्स अ चेंज, सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता, गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस, और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टेक्ट नंबर 9193208031, व्हाट्सएप कॉल 8388778 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए श्री श्याम फार्म हाउस विला फूलबारी। कॉन्टेक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जीन्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता, विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, सेकंड फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 8348888881 या 9324953328। के लिए SK Live ही बेस्ट ऑप्शन है। SK Live का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल में चले राजनीतिक सरगर्मी के बीच एक बार फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर बंगाल के दौरे पर आ रही है। जलपाईगुड़ी जिले के नेताओं से मिली जानकारी के अनुसार 14 दिसंबर को बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचेगी और उस दिन उत्तरकन्या में रहेगी। 15 दिसंबर को जलपाईगुड़ी या अलीपुर द्वार में किसी जगह में संगठनिक सभा कर सकती हैं। इसके अलावा 16 दिसंबर कूच बिहार में सभा करने की बात है। मुख्यमंत्री ने कल शुक्रवार को जिले के नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की थी और उन्होंने इस मीटिंग में उत्तर बंगाल के नेताओं को अपने दौरे को लेकर जानकारी भी दी थी। अब बैंक बचत खाते की तरह ही पोस्ट ऑफिस बचत खाते में भी
न्यूनतम बैलेंस रखना अनिवार्य हो गया है। भारतीय डाक ने शुक्रवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी है। अपने बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना खाता धारकों के लिए बहुत बार एक परेशानी का सबक बन जाता है। वह इसलिए क्योंकि कई बैंकों में यह राशि काफी ज्यादा होती है। हालांकि डाकघर बचत खाता धारकों के लिए यह राशि काफी कम है, इसलिए उनके लिए अपने बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना आसान रहने वाला है। डाकघर बचत खाता धारकों को अपने खाते में न्यूनतम 500 रुपए बैलेंस बनाए रखना होगा। यह नियम 11 दिसंबर 2020 से लागू हो जाएगा। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6.62 करोड़ के पार हो गया है। 4,57,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 15,23,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े www.worldometersinfo कोरोना वायरस के मुताबिक है। इटली में संक्रमण से हालत बेकाबू होते जा रहे हैं। यहाँ शुक्रवार को 993 मौतें हुई है। अस्पतालों में बेड कम पड़ते जा रहे हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार क्रिसमस, बॉक्सिंग डे और न्यू ईयर प्रतिबंधों के साए में गुजरेंगे। यूरोपीय देशों में जो हालत मार्च और अप्रैल में थी, लगभग वही फिर बनने लगे हैं। फ्रांस और जर्मनी ने सख्त प्रतिबंधों और लॉकडाउन से कुछ हद तक इन पर काबू पाया है, लेकिन इटली में ऐसा नहीं है। शुक्रवार को यहां पर 993 लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल 58,000 लोग संक्रमण से दम तोड़ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी सरगर्मी तेजी होती जा रही है। विपक्ष पर लगातार हमलावर तेवर अपनाने वाली ममता बनर्जी ने पार्टी के बागी नेताओं को दो टूक चेतावनी दी है। उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल तमाम नेताओं को पार्टी छोड़ने की पूरी आजादी दे दी है। आपको बता दें कि हाल में ममता सरकार के मंत्री से लेकर टीएमसी के कई नेताओं ने दबी जुबान ही सही अपना बागी तेवर दिखा दिया है। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गलियारों में ऐसे नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की कयासबाजी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को पार्टी विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि विपक्ष में संपर्क में रहने वाले तृणमूल नेता पार्टी छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि टीएमसी सुप्रीमो ने कोई नाम नहीं लिया, लेकिन पार्टी सूत्रों के मुताबिक उनका इशारा हाल ही में मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले असंतुष्ट नेता शुभेंदु अधिकारी और पार्टी के खिलाफ बोलने वाले कुछ अन्य विधायकों की ओर था। आज के लिए बस इतना ही, और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए इसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।